जय हिंद दोस्तों, विंग्स इंडिया के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में। इसका यूनिट फर्स्ट यानी कि हम जब पेपर फर्स्ट एनालिसिस करेंगे तो उसमें डाइवर्सिटी ऑफ नान का डेटा यानी यूनमी जूलॉजी है, जिसका यूनिट फर्स्ट है। यूनिट फर्स्ट तुम्हारा क्या है, पोरीफेरा से लेकर नहीं प्रोटोजोआ से लेकर तुम्हारा क्या है सीलेंटेटा तक है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बात किया था जो एनिमल किंगडम है कैसे डिवाइड हुआ था, हमने बताया था एनिमल किंगडम दो भागों में बांटा गया था, तुम्हारा दो भागों में बांटा गया था, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ बारे में बांटा गया था, कि मेटाजोआ को तीन भागों में बांटा गया था, पैराजोआ के बारे में बांटा गया था, मीसोजोआ के बारे में बांटा गया था और तुम्हारा यू मेटाजोआ के बारे में बांटा गया था। फिर मेटाजोआ को तीन भागों में बांटा गया था सीलोम के आधार पर, ए सीलोमेट होता है, सीलो सीलोमेट होता है और तुम्हारा यू सीलोमेट होता है। उसके बाद सिलोमेट मतलब उसको भी दो भाग में बांटा गया था। इसी प्रकार से हमने क्या किया था, सभी को अच्छे प्रयोग मतलब अच्छे से क्या किया था, विस्तार पूर्वक उसका वर्णन किया था। अब इस लेक्चर में हम जानते थे, देखो उस लेक्चर में हमने कहाँ तक जाना था कि जो कार्डेटा तक जाना था कि हमने कि जो तुम्हारा क्या होता है वो क्या बोलते हैं, एक साइजोसिलोम था, एक इंट्रोसिलोम था। इंट्रोसिलोम को दो भागों में बांटा गया था, किसमें बांटा गया था, तुम्हारा कार्डेटा में बांटा गया था और नॉन कार्डेटा में, यानी कि कार्डेटा बांटा गया था और नॉन कार्डेटा बांटा गया था। इंट्रोसिलोम को किसमें बांटा गया था, कार्डेटा और नॉन कार्डेटा बांटा गया था। यहाँ तक हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया था। अब आइए हम जानते हैं कार्डेटा के बारे में। एक्चुअली कल का वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा था इसलिए हमने क्या किया उसको बंद कर दिया था वहीं पर, नहीं तो हम वहीं पढ़ा देते आपको पूरा। चलिए इसमें हम जानते हैं कार्डेटा के बारे में, किसके बारे में जानते हैं, कार्डेटा के बारे में। कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। कल ही हमने आपको बताया था कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। एक में ब्रेन बॉक्स प्रेजेंट था, ब्रेन जो बॉक्स था यानी कि ये खोपड़ी का जो ढकने वाला भाग होता है जो प्रेजेंट होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं, क्रेनिएटा। और जिसमें प्रेजेंट होता है अब्सेंट होता है उसमें हम उसको हम क्या बोलते हैं, ए क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं, ए क्रेनिएटा। क्या बोलते हैं, ए क्रेनिएटा। इसको कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में। एक प्रोटोकार्डेटा, प्रोटो कार्डेटा और एक तुम्हारा यू कार्डेटा। यू कार्डेटा दो भागों में बांटा गया था। अब प्रोटो कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया था, प्रोटो कार्डेटा को दो भागों में बांटा गया था। यूरो कार्डेटा कितने भागों में, दो भागों में। यूरो कार्डेटा एंड सिफेलो कार्डेटा, यूरो कार्डेटा एंड शिफेलोकार्डेटा, सॉरी शिफेलोकार्डेटा कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में, यूरोकार्डेटा एंड शिफेलोकार्डेटा। उसके बाद जो तुम्हारा यू कार्डेटा था इसको कितने भागों में बांटा गया है, यू कार्डेटा को कितने भागों में बांटा गया है, एक भागों में बांटा गया है। यू कार्डेटा को हम एक्चुअली क्या बोल देते हैं, वर्टीब्रेट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वर्टीब्रेट्स। क्या बोलते हैं, वर्टीब्रेट्स। देखो यू कार्डेटा, देखो यूरो कार्डेटा एंड सिफेलो कार्डेटा। यूरो कार्डेटा क्या होता है एक्चुअली में, चलो इसको देख लेते हैं। यूरो कार्डेटा के बारे में देखो, यूरो कार्डेटा को हम ट्यूनी काटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक नाम से और जानते हैं, ट्यूनी काटा। किस नाम से जानते हैं, ट्यूनी काटा के नाम से जानते हैं। देखो इसमें क्या होता है, यूरो माने क्या होता है, टेल। क्या होता है, टेल। देखो जहां मतलब जिस भी जंतु के मतलब जिस भी जंतु के टेल में कार्डेटा पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, यूरो कार्डेटा। सिफेलो माने क्या होता है, हेड होता है। सिफेलो माने क्या होता है, हेड होता है। हेड टू टेल तक क्या होता है तुम्हारा कार्डेट्स क्या होता है, कार्डेटा क्या होता है, प्रेजेंट होता है। देखो इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, नोटोकार्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है ओनली लार्वा टेल। इसमें क्या होता है, नोटोकार्ड क्या होता है, जो प्रेजेंट होता है, नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली इन लार्वा, ओनली इन लार्वा। अब्सेंट होता है, अब्सेंट इन एडल्ट, अब्सेंट इन एडल्ट, अब्सेंट इन एडल्ट। नोटोकार्ड प्रेजेंट ओनली लार्वा टेल। उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जो नोटोकार्ड होता है परसिस्ट थ्रू द आउट लाइफ। क्या होता है, परसिस्ट थ्रू आउट ऑफ लाइफ, यानी कि जो नोटोकार्ड होता है
वो क्या होता है, नोटोकार्ड परसिस्ट, नोटोकार्ड होगा ना, नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या होगा, नोटोकार्ड क्या होता है, जीवन प्रयत्न बना रहता है। ये इसमें क्या होता है, हेड टू टेल होता है, हेड टू टेल नेटवर्ड होता है, हेड टू टेल होता है। देखो हेड टू टेल होता है, इसमें अगर एग्जांपल लेंगे एसीडिया आएगा, एग्जांपल एक दो बता दे रहे हैं, एसीडिया, एसीडिया डोलियोलम, क्या आएगा, एसीडिया आएगा तुम्हारा, डोलियोलम आएगा, डोलियोलम इसी प्रकार से आएगा। अब सिफेलोकार्डेटा देखो, सिफेलोकार्डेटा में तुम्हारा एक ही आता है, ब्रैंकियो स्टोमा आता है, क्या बोलते हैं इसको, एग्जांपल क्या है, ब्रैंकियो स्टोमा, क्या आएगा, ब्रैंकियो स्टोमा। अब देखो जो वर्टिब्रेट है इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, दो भागों में। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, देखो, अरे रे 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 सॉरी सॉरी जान गया, चलो ठीक है आप लोग लिख लिए होंगे आई हो। और जो तुम्हारा वर्टिब्रेट है इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, इन द प्रेजेंस ऑफ, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, इन द प्रेजेंस ऑफ जॉ, देखो जिसमें जॉ प्रेजेंट होता है, अब्सेंट जॉ और प्रेजेंट जॉ, यानी कि जिसमें जॉ यानी कि जबड़ा प्रेजेंट होता है और जिसमें जबड़ा अब्सेंट, जिसमें जबड़ा अब्सेंट होता है इसको बोलते हैं एग्नेथा, एग्नेथा एग्नोथा, इसको बोलते हैं ग्नेथोस्टोमेटा, ग्नेथो 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 स्टोमेटा, इसको क्या बोलते हैं, ग्नेथो स्टोमेटा, इसको बोलते हैं एग्नेथा, यानी कि जिसमें तुम्हारा जबड़ा वाला अब्सेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्नेथा, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्नेथो स्टोमेटा। अब देखो इसमें एक इसको क्लासिफाई किया गया था, एक में क्लास इसका एक ही होता है, क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा, क्या होता है, साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि इसमें जो होते हैं साइक्लोस्टोमेटा, यानी कि सर्कुलर और सकिंग टाइप का क्या होता है, माउथ होता है इसमें, और इसमें 6 से लेकर 15 पेयर क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, 6 से लेकर 15 पेयर्स क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स स्लेट, और ये क्या होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं। इसी प्रकार तुम्हारा क्या है, ग्रेथोस्टोमेटा होता है, ग्रेथोस्टोमेटा कितने भागों में बांटा गया था, दो भागों में बांटा गया था, कितने भागों में, दो भागों में, कितने भागों में बांटा गया था, दो सुपर क्लास में बांटा गया था, सुपर क्लास, दो सुपर क्लास में भाग बांटा गया था, एक को पीसेस में मछलियां और दूसरा तुम्हारा टेट्रापोडा, टेट्रापोडा किसमें, एक मछलियों के बारे में, एक टेट्रापोडा, इसे क्या होता है, बियर फाइन, बियर फाइन, यानी कि इनके पास क्या होते हैं, पंख होते हैं, इनके पास क्या होते हैं, बियर लिम्स, बियर लिम्स यानी कि हाथ पैर होते हैं। किसके आधार पर तुम्हारा बांटा गया था, लोकोमोशन के आधार पे, लोकोमोशन के आधार पे बांटा गया था, किसके आधार पे, लोकोमोशन के आधार पे। देखो पीसेस में तुम्हारे कितने क्लास आएंगे, दो क्लास आएगा, पीसेस में कितने क्लास आएंगे, दो क्लास, एक तुम्हारा था कोंड्रोकाइन, एक तुम्हारा था कार्टिलेजिनस फिश, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोंड्रो कोंड्री साइंथिस, कोंड्री साइंथिस, जिसको हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस बोन, कार्टिलेजिनस फिश, कार्टिलेजिनस फिश, एक तुम्हारा ओस्टियो ओस्टियो साइंथिस, साइंथिस बोलते हैं आप कुछ ऐसा ही स्पेलिंग है, इसको बोलते हैं बोनी फिश, क्या बोलते हैं, बोनी फिश। और इसमें तुम्हारे टेट्रापोडा में क्या आएंगे, टेट्रापोडा में तुम्हारा क्या आएगा, क्लास, ये सब क्या है, तुम्हारे क्लास है, ये सब क्या है, तुम्हारे क्लास है, क्या है, क्लास में डिवीजन है। और इसमें भी क्या आएंगे, क्लास आएंगे, पहला क्या आएगा, क्लास एम्फीबिया,
एम्फीबिया, रेप्टाइल, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज और मैमल। टेट्रापोडा को कितने भागों में बांटा गया? चार भागों में, और फिशेस के दो भागों में, कोंड्रोकाइट मतलब कार्टिलेजिनस बोन और बोनी फिश, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, कोंड्रोसाइंथिस और ओस्टियोसाइंथिस, दो भागों में बांटा गया है। इसी प्रकार देखो इसके एग्जाम्पल में आप लेंगे तो इसके एग्जाम्पल में आपका बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। क्या कौन कौन सा एग्जाम्पल आएगा बता दीजिए? जैसे तुम्हारा ट्राइगन हो गया, जैसे तुम्हारा क्या हो गया, टार्पीडो हो गया, ऐसे फिश में आएंगे, तुम्हारे बोनी फिश में आएंगे, ऑस्टियो वाले फिश में तुम्हारा आएगा। तुम्हारा बहुत सारे एग्जाम्पल होता है, जैसे तुम्हारे होते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल, जैसे ऑस्टियो फिश में लेंगे तो आपका आएगा तुम्हारा लोबियो यानी कि रोहू आ जाएगा, तुम्हारे कहाँ आएंगे मांगुर हो जाएंगे। इस प्रकार से जो भी तुम्हारे मछलियां होती है जिसमें क्या होते हैं बोन जैसे मतलब बोन जैसा क्या होता है स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, बोनी फिश। देखेंगे तो उसमें हड्डी जैसी स्ट्रक्चर होते हैं उसको बोनी फिश बोलते हैं। जैसे तुम्हारा रोहू मांगुर ह्वेल मछलियां हो गई, बड़ी बड़ी जो मछलियां होंगी उसमें क्या होंगे, बोन होंगे। देखो ये सब क्या है तुम्हारा क्लासिफिकेशन है किसका, कार्डेटा का। अब देखो कार्डेटा में देखेंगे तो एम्फीबियम भी क्लास में डिवाइड हो जाता है, एम्फीबियम मतलब क्लास आर्डर में मतलब डिवाइड हो जाता है, रेप्टाइल में भी होता है, एविज में होता है, मैमल भी होता है। इसी प्रकार सब क्या क्या होता है, अलग अलग क्या होता है, डिवीजन होता है, क्या होता है, अलग अलग डिवीजन होता है। आई होप आपने इसको क्या किया है, अच्छे से समझा होगा। देखो इतना ही है तुम्हारा किसके बारे में, कार्डेटा के बारे में। कार्डेटा के बारे में जब पढ़ेंगे, अब सबका जब आप अलग अलग से पढ़ेंगे, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविज, मैमल के बारे में, सबका अलग अलग अपना आर्डर है, सबका अलग अलग अपना क्या है, क्या है आर्डर है, फैमिली है, जीनस है, इन सब के बारे में आप अच्छे से आप विस्तार पूर्वक आप अपने उसमें यूनिट बाय यूनिट क्या करेंगे, अध्ययन करते रहेंगे। चलिए आप देखते हैं थोड़ा सा कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में कि कुछ टर्म होते हैं जैसे इसको हम समझ लेते हैं क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा क्योंकि हमने बोला नहीं, ले लिया होंगे आपने, हमने बोला नहीं फिर भी, चलिए ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा से कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में, जैसे कोई टर्म आ गया उसको हम कैसे समझेंगे कि ये चीज होता क्या है। जैसे जैसे देखते हैं किसके बारे में, पहले पहले शुरुआत करते हैं, पहले शुरुआत करते हैं किसमें, ओ तुम्हारा एक होता है कोल्ड ब्लडेड, सॉरी एक होता है कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड, वार्म एक होता है तुम्हारा कोल्ड ब्लडेड, एक होता है वार्म ब्लडेड एनिमल। एनिमल देखो कोल्ड ब्लडेड एनिमल को हम क्या बोलते हैं, पोइकियो, पोइकिलो थर्मस, यस पोइकिलो थर्मस, क्या बोलते हैं, पोइकिलो थर्मिक, पोइकिलो थर्मिक बोलते हैं, थर्मस नहीं थर्मिक, क्या बोलते हैं, पोइकिलो थर्मिक बोलते हैं इसको, बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, होमियो थर्मिक, क्या बोलते हैं, होमियो थर्मिक, क्या बोलते हैं, होमियोथर्मिक। जहां भी आपका पोइकिलोथर्मिक लिखा है उसका मतलब तुम्हारा क्या है, उपराड़ी क्या है, कोल्ड ब्लडेड है, और जहां भी तुम्हारा क्या लिखा है होमियोथर्मिक उसका मतलब क्या है, तुम्हारा वार्म ब्लडेड है। पोइकियोथर्मिक में तुम्हारा क्या आएंगे और इसमें क्या आएगा, इसमें तुम्हारा एक आएगा ए भी जाएगा, पक्षियां आएंगी और मैमल्स आएंगे, मैमिलिया आएंगे, मैमिलिया एक तुम्हारा ए भी जाएगा और तुम्हारा क्या आएगा, मैमिलिया आएगा, और इसमें तुम्हारे क्या आएंगे, तुम्हारे इसमें तुम्हारे फिश आएंगे, एम्फीबियंस आएंगे, रेप्टाइल्स आएंगे, क्या आएंगे, फिशेस जितने हैं, एम्फीबिया भी जितने हैं, एम्फीबियंस, और रेप्टाइल्स भी जितने भी हैं, रेप्टाइल्स जितने भी हैं, ये सब किसमें आएंगे, कोल्ड ब्लडेड में। देखो कोल्ड ब्लडेड मतलब, और इसका मतलब क्या होता है आज तक समझ ले, देखो जो भी प्राणी का ब्लड जो होता है मतलब उसके अनुसार वातावरण के अनुसार क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे अगर ठंडी आए तो उसका ब्लड ठंडा टाइप का हो जाएगा, गर्मी आए तो गर्म टाइप का हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोल्ड
कोल्ड ब्लड वाले, और हम लोग क्या है वार्म ब्लडेड है, यानी कि चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो चाहे जो भी टेम्परेचर हो, वो क्या होता है बॉडी के टेम्परेचर के अनुसार तुम्हारा क्या होता है उसमें ब्लड होता है। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस है तो ब्लड उसी के अनुसार होगा, चाहे तुम्हारा बरसात हो चाहे तुम्हारा बहुत ज्यादा ठंडी पड़ रही हो चाहे चाहे तुम्हारा क्या हो बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही हो। इसी प्रकार के होकर एक आइए हम समझते हैं एक और टर्मिनोलॉजी को, मोनोकंडाइलिक क्या होता है, डाइकंडोलिक को क्या होता है, कोलायका के बारे में समझ लेते हैं। क्लायो क्या बोलते हैं इसको, क्लायका क्लायका क्लोएका 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 क्या बोलते हैं क्लोएका, इसका मतलब क्या होता है, क्लोएका मतलब होता है जहां से तुम्हारा एक्सक्रीटरी, देखो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जहां से तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और स्पर्म, सॉरी स्पर्म, देखो देखो क्लायका का मतलब क्या होता है, जहां से तुम्हारा एक ही मतलब एक ही रास्ते से तुम्हारा क्या हो स्पर्म भी निकले, एक ही रास्ते से तुम्हारा यूरिन भी निकले, एक ही रास्ते से तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकले, इसको मतलब जैसे एक ही रास्ते से अगर सब कुछ निकलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिन भी पास हो तुम्हारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पास हो तुम्हारा क्या हो स्पर्म भी पास हो उसको हम क्या बोलेंगे क्लायका बोलते हैं। इस प्रकार की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं क्लायका बोलते हैं। जैसे तुम्हारा मेढक में पाया जाता है, किसमें एम्फीबियंस में, किसमें एम्फीबियंस में पाए जाते हैं, मेढक में इस प्रकार क्या होता है ओपनिंग पाया जाता है, एम्फीबियन होता है बर्ड होते हैं कार्टिलेजनस फिश होते हैं एम्फीबियंस में बर्ड्स में फिशेस में वो भी कौन से कार्टिलेजनस वाले में, इस प्रकार का क्या है एक तुम्हारा होता है मोनोकंडालिक एक क्या होता है डाइकंडालिक। जो स्कल होता है अगर दो हुंडी पे अटका हुआ है उसको हम बोलते हैं डाइकंडालिक, अगर एक हुंडी पे अटका हुआ है उसको क्या बोलते हैं एक हुंडी पे उसको बोलते हैं मोनोकंडालिक। आई होप आपने इसको क्या किया होगा अच्छे से समझा होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच क्या कीजिए शेयर कीजिए। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में, पोरीफेरा के बारे में जानेंगे, पोरीफेरा के बारे में जानेंगे, उसके साइलेंट फीचर के बारे में जानेंगे और उसका जो एग्जाम्पल दिया गया है आपके उसमें सिलेबस में दिया गया है पोरीफेरा है और उसके एग्जाम्पल में आपको दिया गया है पैरामीशियम के बारे में, उसका मार्फोलॉजी और रिप्रोडक्शन उसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आई होप आपने इसको अच्छे से समझा होगा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।